वेलकम अगेन टू माई वीडियो ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में मैंने वर्ब डिस्कस करा, अब मैं एडवर्ब डिस्कस करूंगी। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चलता है एडवर्ब किसी क्रिया यानी वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब्स की भी विशेषता बता सकता है। So I can say adverb is a word which qualifies a verb, an adjective or another adverb. For example, Shyam ran fast. यहाँ fast एक adverb है, क्योंकि fast शब्द से पता चल रहा है कि श्याम ने कैसे दौड़ा। I know अगर आपकी English अच्छी है तो adverb chapter में कुछ खास पढ़ने के लिए है नहीं। एडवर्ब का यूज आप नेचुरली कर सकते हैं, बट फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट ही कवर करूंगी। तो टाइम खराब करे बिना स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब से। यूजेस के अकॉर्डिंग एडवर्ब्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस, सिंपल एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स। डरिए मत, मैं इन एडवर्ब्स को डिफाइन नहीं करने वाली। मैंने नाम बताकर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करी है। बस इतना ध्यान रखिए कि एडवर्ब्स एक्सप्रेसेस मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, डिग्री एंड लेवल ऑफ सर्टेनिटी। आई नो ये सब ऊपर से निकल गया होगा, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। केयरफुल्ली, फ्लुएंटली, ब्रेवली एटसेट्रा एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। फार, नियर, अवे, एवर एटसेट्रा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। लेट, नाउ, सून, एगो, टुडे, टुमारो एटसेट्रा एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेल्डम, ऑफन, नेवर, ऑलवेज एटसेट्रा एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी है। टू, वेरी, मच, क्विट, enough, etc. adverbs of quality of degree है। whom, where, why, how, etc. relative adverbs हैं। और why, when, where, etc. interrogative adverbs हैं। adverbs इतने सारे हैं, लेकिन मैं केवल important adverbs ही discuss करूंगी। बट इससे पहले मैं एडवर्ब्स का डिस्कशन स्टार्ट करूं, हमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन एडवर्ब्स को गलत जगह पर यूज करके पूछा जाता है, और साथ ही एडवर्ब के अलग अलग पोजीशन पर होने से सेंटेंस का पूरा मतलब भी चेंज हो जाता है। जैसे ओनली रीना ब्रॉट द बुक, इस वाक्य का अर्थ है केवल रीना ने बुक लाया, किसी और ने नहीं। बट इफ वी से रीना ओनली ब्रॉट द बुक, इस वाक्य का अर्थ होगा रीना ने केवल बुक लाया और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम कहें रीना ब्रॉट द ओनली बुक, तो इस वाक्य का अर्थ होगा रीना के पास एक ही बुक थी जिसे वह लेकर आई। इन सेंटेंसेस को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब का सही जगह पर यूज करना कितना जरूरी है। देयर कैन बी थ्री नॉर्मल पोजिशंस वेयर एडवर्ब्स कैन कम, एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हालांकि सारे एडवर्ब को डिफरेंट पोजिशन में यूज नहीं करा जा सकता। सम एडवर्ब्स आर स्ट्रिक्टली यूज बिफोर द मेन वर्ब, कुछ एडवर्ब्स केवल मेन वर्ब के पहले यूज करे जाते हैं। लाइक एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, नेवर, जस्ट, एवर, यूजुअली, हार्डली, ऑलरेडी, नियरली एटसेट्रा आर यूज बिफोर द मेन वर्ब। इट इज रॉन्ग टू से आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल। यहाँ ऑफन का यूज मेन वर्ब सी के बाद हुआ है, जो कि गलत है।
हमें सेंटेंस सही करने के लिए ऑफन का यूज सी के पहले करना होगा. हेंस करेक्ट सेंटेंस विल बी आई ऑफन सी हिम एट द बस टर्मिनल. सिमिलरली शी इज नेवर लेट फॉर स्कूल. अभी आपने ऐसे एडवर्ब्स देखे जो कि मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं. अब ऐसे एडवर्ब्स देखते हैं जिनका यूज वर्ब के बाद होता है.